प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास UKG फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम सब कलर्स नेम ऑफ कलर्स यानी रंगों के विषय में पढ़ेंगे। तो देखते हैं ब्लैक बोर्ड पर बेटा लिखा गया है NAME नेम OF ऑफ COLOURS कलर्स, नेम ऑफ कलर्स यानी कि रंगों के नाम। तो देखिए कुछ रंग के नाम इंग्लिश में दिए गए हैं, इसे साथ साथ में सस्वरवाचन करते हैं यानी कि साथ साथ बोल करके पढ़ते हैं। स्पेलिंग देखिए RED रेड, रेड मीन्स लाल। देखिए यहाँ स्पेलिंग लिखी गई है RED, इसका उच्चारण यहाँ हिंदी में लिखा गया है रेड, रेड मीन्स लाल। तो प्यारे बच्चों, आप सब थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी वस्तुएँ, बहुत से फल रेड कलर के होते हैं। यहाँ कुछ एक फल को बनाया गया है, आप सब जानते हैं, इसे पहचानते हैं। ये कौन सा फल है? एप्पल। एप्पल का ऊपर का छिलका जो रेड होता है, ऊपर से दिखने में लाल दिखता है। तो यहाँ बना करके जो है दिखाया गया है और रेड इंग्लिश में लिखा गया है, रेड मीन्स लाल। देखिए एप्पल कैसा होता है? रेड कलर का होता है। तो दूसरी स्पेलिंग पर चलते हैं यानी कि दूसरे कलर नेम पर चलते हैं। GREEN ग्रीन। क्या ग्रीन? ग्रीन मीन्स हरा। हरे कलर की बहुत सी चीज़ें, वस्तुएँ या फल होते हैं, लेकिन यहाँ एक आकृति यानी कि चित्र बनाया गया है। यह है, आप इसे देख करके पहचान सकते हैं। यह है पपीता, जिसे इंग्लिश में पपाया कहते हैं, उसका ऊपर का छिलका एकदम ग्रीन होता है पकने से पहले। तो देखिए दूसरे कलर्स नेम पर BLACK से होता है ब्लैक। क्या होता है? ब्लैक। ब्लैक मीन्स काला। आप देखिए ये गुच्छे जामुन के हैं। जामुन जब पूरी तरह से पक जाती है तो ऊपर का उसका जो कवर होता है वह एकदम ब्लैक हो जाता है, जैसा यहाँ दिखाया गया है। चलते हैं अगले कलर्स नेम पर। अगला नेम है WHITE वाइट, जैसा कि यहाँ लिखा गया हिंदी में वाइट। वाइट मीन्स सफ़ेद। यहाँ एक फिगर्स यानी कि चित्र बनाया गया है, इसे आप देख करके पहचान सकते हैं। इसे इंग्लिश में एक कहते हैं, एक मीन्स अंडा। अंडा कैसा होता है? सफ़ेद होता है यानी कि वाइट होता है। वाइट मीन्स सफ़ेद। WHITE
अगली क्लास नेम पर चलते हैं, बी एल यू ई, बी एल यू ई ब्लू, जैसा कि यहाँ लिखा गया है ब्लू, ब्लू मीन्स नीला। आप सब्जी में बैंगन देखे होंगे, यहाँ बैंगन का फिगर्स बनाया गया है, इसे आप देख करके पहचान सकते हैं। ब्लू कलर का होता है यानी कि नीले कलर का होता है और इसका कलर भी भरा गया है। अगला क्लास नेम है पी आई एन के, पिंक, यहाँ पिंक लिखा गया है, पिंक मीन्स गुलाबी। देख रहे हैं यहाँ फूल बनाया गया है गुलाब का फूल, गुलाब का फूल रेड भी होता है, वाइट भी होता है और येलो यानी कि पीला भी होता है, लेकिन गुलाब का फूल गुलाबी कलर का होता है। तो आप देखिए यहाँ कलर्स भरा गया है इसमें, तो पिंक, पिंक मीन्स गुलाबी। तो अगली क्लास नेम पर चलते हैं, वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू, वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू से होता है एलो, एलो यहाँ एलो हिंदी में भी लिखा गया है उच्चारण, येलो मीन्स पीला, पीले कलर का। आप देखे हैं नींबू, नींबू का फिगर्स यहाँ बनाया गया है, नींबू पीला होता है। तो हमने लाल, हरा, ब्लैक, तो लाल, हरा, काला, सफ़ेद, नीला, गुलाबी, पीला कलर का कौन कौन सी चीज़ें होती हैं या कौन कौन से फल होते हैं, इसको बना करके यहाँ दिखाया गया है, आप कलर से भी परिचित हो जाएं और इनके कलर्स नेम की स्पेलिंग से भी परिचित हो जाएं। तो प्यारे बच्चों, इसे कॉपी पर नोट करें और स्पेलिंग याद करें और ध्यान दें कौन कौन सी चीज़ें किस कलर की हैं, और आप अपने ढंग से दूसरे भी चीज़ों को जैसे रेड टोमेटो, जैसे ग्रीन में तरबूजा ऊपर का कवर होता है पपीते की तरह, तो आप देखिए फिर से एक बार इंग्लिश में इसको देख लेते हैं, इसके बाद आप सब घर पर से देख करके पढ़ करके नोट करके याद करेंगे। आर ई डी रेड, रेड मीन्स लाल, जी आर डबल ई एन ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरा, बी एल ए सी के, बी एल ए सी के ब्लैक, ब्लैक मीन्स काला, डब्ल्यू एच आई टी ई वाइट, वाइट मीन्स सफ़ेद, बी एल यू सी के, बी एल यू ई ब्लू, ब्लू मीन्स नीला, पी आई एन के पिंक, पिंक मीन्स गुलाबी, वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू एलो, एलो मीन्स पीला। प्यारे बच्चों, आप सब इसे कॉपी पर नोट करेंगे और सुंदर सुंदर राइटिंग में पढ़ करके याद करेंगे। आज के लिए थैंक यू।